सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टार दे करके, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टार दे करके थेल्स प्रेम है, थेल्स प्रेम है, थेल्स प्रेम है। और इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम लिख देना है क्या, तो इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रेम है, आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रेम है। प्रेम है, और इसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं बीपीटी, बीपीटी। अब देखिए यहां ध्यान से, थेल्स प्रेमे, थेल्स क्या है, एक गणितज्ञ है, ठीक है ना, ये गणितज्ञ मतलब गणितज्ञ पे ये प्रेमे को हम लोग याद रख सकते हैं, थेल्स प्रेमे के नाम से याद रख सकते हैं, या आधारभूत समानुपातिकता प्रेमे, इसका जो एक्चुअल नाम है इस प्रेमे का यही है, आधारभूत समानुपातिकता प्रेमे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक बी फोर बेसिक, पी से प्रोपोर्शनलिटी, टी से थ्योरम। बेसिक का मतलब आधारभूत, पी का मतलब हो गया प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपातिकता, टी का मतलब थ्योरम, ठीक है ना, तो इसको बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस प्रेमे को हमेशा के लिए याद रखना, इस प्रेमे का क्या कथन है, इस कथन को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिखते हैं प्रेमे को, पहले लिखिए, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, भुजाओं को भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए, खींची जाए, तो अन्य, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हो जाती है। ये इसका स्टेटमेंट है, थेल्स प्रेमे का यह स्टेटमेंट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी बात को हम लोग पहले समझ लेते हैं, सल्यूशन करेंगे लेकिन इस बात को पहले समझ लीजिए। सपोज दैट ये त्रिभुज है, कह रहा है एक त्रिभुज में, ठीक है ना, तो एक त्रिभुज है ये, कह रहा है कि क्या, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यह एक त्रिभुज है, सपोज दैट ए बी सी,
ठीक है ना। और इसमें एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा समांतर ले लीजिए, कोई रेखा जैसे BC के समांतर हम एक रेखा ऐसे ले लेते हैं DE, ठीक है ना, ये DE ले लिया जाए। तो ये एक त्रिभुज ABC है और इसमें एक भुजा BC के समांतर DE रेखा खींचा गया, तो यह रेखा जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, दो भुजाओं को D बिंदु और E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो यह दोनों बिंदु D बिंदु और E बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसी को थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, या क्या, तो ये लिखे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं, विशेष रूप से हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से याद रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें क्या हुआ, याद रखना है कि जब BCDE के समांतर होता है, त्रिभुज ABC में BCDE के समांतर होता है, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। हम लोग पिक्चर पे हम लोग बस यही याद रखेंगे कि त्रिभुज ABC में BC समांतर अगर DE होता है, तब AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने भाषा में इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे याद रखते हैं, क्या कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसे या इसे समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी पढ़ सकते हैं, ये किताब की भाषा में हम लोग ये लिखे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा किताब का भाषा, हमारी भाषा में यह है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, इसे ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। समझिए, सबसे पहले आप बगल में एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज बना लेंगे इस टाइप से, थोड़ा बड़ा करके बना लेना है ABC, ठीक है। और इस त्रिभुज में हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, जो ये इस प्रकार से समांतर होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ D लिख देना है, यहाँ E लिख देना है, ठीक है, ये आकृति बना लेना है। अब यहाँ पर लिखना है, सॉल्यूशन में दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये सिद्ध करना है। इसके लिए थोड़ा रचना यहाँ लिखना पड़ेगा, रचना करना है, ठीक है ना। रचना में क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए BE तथा DC को मिला देंगे, यहाँ लिख देंगे मिलाया। तो इसको रचना में हम लोग इस प्रकार से स्केल उठाएंगे और इसको हम लोग मिला देंगे, पहले इसको डॉट डॉट से मिला देंगे, हाँ, इसके बाद इसको मिला देंगे, डॉट डॉट से
इसको मिला देंगे। जैसे यहाँ रचना में लिखा गया बी तथा डीसी को मिलाया, अब फिर क्या करना है देखिए, फिर यहाँ लिखना है डी डी एन लंब, डी एन लंब ए सी, ए सी तथा डी एन लंब ए सी तथा ई एम लंब ए बी खींचा, ये लंब का चिन्ह है, डी एन लंब ए सी तथा ई एम लंब ए बी खींचा। तो अब यहाँ पर लंब खींच देना है डी एन, यहाँ पर इस प्रकार से लंब खींच देना है, इस पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना देना है, यहाँ पर लिख देना है एन, ठीक है, डी एन लंब खींच दिए ए सी पर, ठीक है, उसके बाद ई एम लंब खींच देना है ए बी पर। तो यहाँ से इस प्रकार से करना है और यहाँ से ऐसे मिला देना है, चलिए स्पीड में करने का काम कीजिए एम, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देना है, ई एम लंब ए बी खींचा और डी एन लंब ए सी खींचा, ये आपको बना लेना है। अब आइए, यह रचना का काम हो गया, रचना इसमें याद रखना, रचना में क्या काम किए हैं, ठीक है ना, रचना में क्या काम किए हैं ध्यान दीजिए, रचना में काम किए हैं बी ई तथा डी सी को मिलाया, तो देखो बी से ई को मिला दिए, डी से सी को मिला दिए, तो यही बात को रचना में लिखे हैं। फिर डी एन लंब ए सी, तो ये जो है ना लंब खींचा गया है, ए सी जो रेखा है ना इस पर लंब खींचा गया है 90 डिग्री कोण बना करके, ठीक है ना। फिर ई एम जो है ए बी पर लंब खींचा गया है 90 डिग्री का, यहाँ चिन्ह दिए हैं, ठीक है। तो ये रचना का बात हो गया, अब इसका मेन बात होता है प्रमाण का, समझिए प्रमाण को, प्रमाण में क्या समझना पड़ता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर गौर कीजिए कि यहां पर जो त्रिभुज है ए डी ई, एक त्रिभुज है ए डी ई, ठीक है ना, और इस त्रिभुज के ए डी ई में तो ये ए डी आधार हो जाएगा और ई एम लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र होता है त्रिभुज का, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फिर एक त्रिभुज देखिए डी बी ई है, डी बी E, इसका आधार जो है DB होगा और ऊंचाई यही EM होगा, ठीक है ना, ऊंचाई आपका EM ही होगा, जिसका मतलब जो ADE त्रिभुज का ऊंचाई है वही त्रिभुज DBE का भी ऊंचाई होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ शॉर्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, DBE बराबर देना है, दोनों को बट्टे में लिख दिया। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ध्यान से देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में आधार AD हो गया और लंब आपका EM हो गया, तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो यहां लिख देना 1/2 आधार क्या है AD गुना ऊंचाई क्या हो गया EM, तो ये लिख देना है। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE है, तो इसका 1/2 आधार क्या हो जाएगा, अभी क्या बोले आधार क्या हो जाएगा DB और ऊंचाई यही रहेगा EM, यहां पर लिख देना DB गुना EM, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या होगा, 1/2 और 1/2 कट जाएगा, EM और EM कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को हम लोग यहां पर लिख देना है। अब फिर नीचे लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, ठीक है, अब बराबर क्या आया, तो AD बट्टे DB, तो ये लिख देना AD बट्टे DB, ठीक है, इसको समीकरण एक मान लेना है। अब यहां ध्यान दीजिए, इस ओर से हम लोग अभी काम किए हैं, ध्यान दे रहे हैं, इस ओर से अभी काम किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ADE त्रिभुज लिए हैं और DBE त्रिभुज लिए हैं, और जब उस ओर से त्रिभुज का नाम लेंगे तो यहां नाम आएगा त्रिभुज ADE,
अब आधार ए ही हो जाएगा, ऊंचाई डी एन हो जाएगा, फिर त्रिभुज लिया जाएगा डी ई सी, ठीक है ना, ये डी ई सी यह एक त्रिभुज आपका है और ए डी ई एक त्रिभुज है, तो इसका ऊंचाई होगा डी एन, दोनों का ऊंचाई हो जाएगा डी एन, और आधार एक का हो जाएगा डी बी और दूसरा का हो जाएगा ई सी, ठीक है ना। ए डी ई त्रिभुज का आधार ए ही हो जाएगा, ऊंचाई डी एन हो जाएगा, और यह त्रिभुज डी ई सी की अगर बात करें तो डी ई सी का आधार ई सी हो जाएगा, ऊंचाई डी एन ही होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग को याद रखना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अब फिर नीचे उधर लिखना है उस साइड वाले का एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या, उधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार क्या बोले जी ए ई, आधार क्या बोले ए ई, अगुना ऊंचाई क्या बोले डी एन, तो यहाँ डी एन लिख देना है, ठीक है। फिर नीचे आइए त्रिभुज डी ई सी का, तो नीचे डी ई सी त्रिभुज लिखल है, इसका क्षेत्रफल होगा क्या 1/2 आधार क्या होगा इसका ई सी, आधार क्या होगा ई सी, तो ये लिख देना ई सी, अगुना ऊंचाई क्या बोले, इसका भी ऊंचाई क्या होगा डी एन, चलिए ये लिख दिए। अब यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डी एन से क्या हो जाएगा डी एन कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा वो चीज को यहाँ नोट कर लेना है, फाइनली बचेगा एरिया ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं, फाइनली बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी बराबर, बराबर क्या बचेगा, तो बराबर में आपका क्या बचेगा देखिए ए ई, ए ई बटे क्या बचेगा जी ई सी, तो ये लिख देना। अब ध्यान दीजिए क्या ध्यान देना है, ये देखो तो इसको समीकरण दो नहीं मानना है, अब यहाँ गौर से देखिए क्या है कि इसमें डी ई जो देख रहे हैं, ठीक है ना, आधार, यहाँ ध्यान दीजिए आप पिक्चर पर, डी ई आधार है, डी ई क्या है आधार है दोनों का, दोनों त्रिभुज का, ठीक है ना, आधार है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये आपको प्रमेय है क्लास 9th का जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, किसी मतलब इसमें याद रखना है कि जब एक ही आधार, ठीक है ना, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज अगर होता है तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये देखो कि यहाँ DE एक आधार है, DE एक आधार है और एक ही समांतर, तो DE समांतर BC है, ठीक है ना, DE समांतर क्या है BC है, जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज होता है तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये देखो कैसे, तो ये DE एक आधार है और DE समांतर BC है, इसके बीच दो त्रिभुज है, क्या क्या, तो एक त्रिभुज है DBE, एक त्रिभुज है DEC, ठीक है ना, DEC, तो ये एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, यह एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये नजर आ रहा है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आधार DE है दोनों का, आधार क्या है DE, तो देखिए ना DBE, BDE त्रिभुज का DE है ना, और DEC का मतलब आधार DE है ना, समांतर DE समांतर क्या है BC, इसलिए दोनों के बीच दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। तो यहां पर लिखना क्या है तो वो ध्यान दीजिए, लिखना है चूंकि, चूंकि एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार में क्या DE, एक ही आधार का मतलब क्या DE, तथा तथा एक ही समांतर, समांतर, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं का नाम क्या DE, समांतर क्या BC के बीच, के बीच बने, बने त्रिभुज BDE,
बी डी ई तथा त्रिभुज क्या है, तथा त्रिभुज क्या है, डी ई सी है ना जी। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई या एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई भी लिख सकते हैं। बी डी ई को क्या लिख सकते हैं, डी बी ई भी लिख सकते हैं, डी बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, डी ई सी, ये लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए ये डी ई सी है ना, डी ई सी है ना यहाँ पर जी, तो डी ई सी किसके बराबर है, डी बी ई का। तो यहाँ से ये नाम हटा करके ये डी बी ई लिखा जा सकता है ना, हाँ। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर यही होगा ए ई बटे क्या जी, ई सी। और यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी के बदले क्या हो जाएगा, डी बी ई मतलब ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, डी ई सी का नाम हटा करके डी बी ई लिख दिया है। और यहाँ पर ए ई बटे क्या होगा, ई सी। अब इसको समीकरण दो मान लीजिए ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण एक तथा समीकरण दो से। अब यहां देखिए गौर से, समीकरण एक में एक साइड का यह वाला भाग देखिए गौर से क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी। और समीकरण दो का देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी बराबर है ना। तो एक साइड का बराबर होने पर दूसरे साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या ये इसके बराबर हो जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा, ए डी बटे क्या, डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये बात को हमेशा आपको याद रखना है कि इसको ऐसे सिद्ध किया जाएगा, ठीक है ना।